अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और जहाँ भी हैं खुश होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही इजी सी एक रेसिपी, कीमे की पूरियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये पुरानी दिल्ली की स्पेशल चीज़ें होती हैं। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सेम रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसे गर्मा गर्म बनाइए और लोगों को खिलाइए, और आप अगर ये नाश्ते में बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आजकल बारिश का भी मौसम है तो ये ज़रूर से बनाइए, ट्राई करिए। तो चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं कीमे की पूरियाँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था हरा मसाला, एक मुट्ठी भर के हरा धनिया, एक चम्मच जीरा, एक लहसुन पूरा और एक पुदीना, और 8 से 10 हरी मिर्च। अगर आपको इससे ज़्यादा ऐड करना है हरी मिर्च तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इन सब का आपको बना लेना है एक बारीक सा पेस्ट, हरा मसाला जैसे कि हम बनाते हैं वो बना के आपको रख लेना है। और ये मैंने कीमा लिया था, ये 500 ग्राम है, मटन का कीमा है। बहुत बारीक भी नहीं लेना है आपको और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। और ये आपको करना है अच्छी तरीके से वॉश, और इसका सारा पानी ड्रेन कर लेना है, निचोड़ लेना है, ताकि इसमें किसी भी तरह का पानी ना रहे। और अगर आप बहुत मोटा कीमा ले लेंगे ना तो जब आप पूरियाँ बेलेंगे ना तो वो फट जाएंगी, बराबर आपकी पूरियाँ नहीं होंगी। तो इसलिए अभी कीमा बारीक लीजिए। और ये आटा लिया था मैंने, इसमें कुछ भी ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है। ये 500 ग्राम आटा लिया, इसमें सिर्फ हम नमक डालेंगे, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है। मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया था, और आप अगर कम लेना चाहते हैं तो आप कम ले लीजिए। और उसके बाद फिर इसे हमें सिर्फ पानी के साथ एक अच्छा सा डो बना लेना है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा डो बनाना है, क्योंकि अगर आप हार्ड बनाएंगे ना आटे को, हार्ड गूंदेंगे कड़क, तो फिर वो जब पूड़ियाँ बेलेंगे ना तो बहुत ही पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, फट जाएंगी पूड़ियाँ, क्योंकि हम उस पर जब प्रेशर डालेंगे ना बेलन से तो कीमे जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आटे को 1 घंटा पहले ही आप अच्छी तरीके से गूंद के रख दीजिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और कोशिश करिए कि बहुत ही सॉफ्ट गूंदिए। और मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया था, इसे मैंने 1 बारीक प्याज कट करके डाल दिया था, चॉप करके, और इसे हमें ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको ऑयल लेना है। तो आप स्पून की हेल्प से इसमें 2 चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, और इसे आप ब्राउन कर लीजिए। ज़्यादा प्याज भी नहीं लेनी है, और ब्राउन जब हो जाएगी इसको हमें लाइट ब्राउन करना है। और ब्राउन करने के बाद ये देखिए, ये हो चुकी है प्याज यहाँ पे ब्राउन। तो अब हम यहाँ पे ना जो कीमा है हमने जो धुल के रखा था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब कीमा डालने के बाद इसे ना आप हाई फ्लेम में पहले इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। पहले तो हाई फ्लेम में भूनना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से पूरा रिलीज़ हो जाए। और जब पानी बहुत ही अच्छे से रिलीज़ होगा ना, फिर हम इसको लो फ्लेम में करके पानी को ड्राई करेंगे, और फिर उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया था और इसे मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया था हाई फ्लेम में। तो ये अब इसमें से देखिए पानी कितना ज़्यादा रिलीज़ हुआ है ना, तो ये जो पानी है ना ये हमें ड्राई कर देना है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। नमक हमें क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है और हमें कीमे में भी नमक ऐड करना है, तो हम इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में नमक ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें चाट मसाला भी ऐड करना है आगे। तो अब हम इसे चला लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और पानी बहुत निकल रहा है इसमें से देखिए। तो इसे फ्लेम को हाई कर दीजिए, हाई करके जब ये पानी ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद इसमें हम जो हरा मसाला हमने बनाया वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो पानी में किसी भी तरह की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी जब हम कीमे को हाई फ्लेम में भून लेंगे। तो अब हम इसको बंद करके हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, और मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए अभी इसका पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, थोड़ा ही पानी बचा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने हरा मसाला पीसा था ना वो। आप ये हरे मसाले की पूड़ी बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे नाश्ते में भी बनाइए और खा के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नमक वरना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने नमक भी ऐड किया है आटे में भी है, और चाट मसाला डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा इन्हांस हो जाता है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा चाट मसाला भी ऐड करना है। तो अब इसे हम अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। भूनने के बाद इसे आप जो है लिड लगा के रख दीजिएगा, क्योंकि कीमे को हमें थोड़ा गलाना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है।
तो जब ये ऐसा लगे कि भुनने लगा है अच्छी तरीके से, तो अब इसे आप लिड लगा दीजिए। लिड लगाने के बाद इसे छोड़ दीजिए 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब ये देखिए गल चुका है, पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, जो थोड़ा है पानी दिख रहा है उसे हम फ्लेम को हाई करके ना हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि जो कीमा है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए उसमें। अगर पानी होगा तो फिर जब जैसे ही आप पूड़ियों में इसको स्टफ़ करेंगे ना, तो आटा जो है ना वो आपका चिपकने लगेगा। तो इसे हम देखिए फ्लेम को बिल्कुल हाई करेंगे और एकदम इसे ड्राई कर लेना है। और ये ड्राई हो चुका है और अब इसे हम ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया और दो बारीक मैंने हरी मिर्च डाल दिया था। अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें हरी मिर्च पीस लिया था। मुझे और स्पाइसी चाहिए था तो मैंने इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी कट करके डाल दिया था। तो ये खुशबू के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया है हरी धनिया, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल हरा हरा सा कलर। तो इसकी जो पूरी आप खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम पूड़ियों में इसे स्टफ़ करेंगे, वरना ये गरम जो है ना, हाथ आपका जलेगा। तो अब ये डो देखिए कितना अच्छे तरीके से ना तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है आटा, इसे मैंने लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब इसे हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, बहुत ही छोटा आटा इसका आपका लेना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में आप लीजिए, ऐसा पेड़ा बना लीजिए छोटा सा, जितना भी आपको अगर भारी बनाना है तो आप भारी बना लीजिए। तो मैंने इतना ही लिया था आटा। और यहाँ पे हम पहले से थोड़ा फ्लैट कर देंगे हाथ से प्रेस करके, कि हमें जो इसके अंदर कीमा स्टफ करना है ना वो। तो आप देख लीजिएगा आप किस तरीके से, आप लोगों को जो भी जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से भर के इसमें स्टफ करिए। और मैंने फिर कीमे को इसमें 2 चम्मच मैंने डाला था, थोड़ा स्पून से उसको मैंने प्रेस किया और उसके बाद इसे धीरे धीरे एक एक कोने के एजेस जो है ना उसके मैंने बंद कर दिए। और ये अच्छी तरीके से बंद हो जाता है, ये तलने के बाद भी ये नहीं खुलता है, वरना और भी जो कभी कुछ पूड़ियाँ होती हैं जो तलने पर जो खुल जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी अगर आप इस तरीके से इसे करेंगे स्टफ़ करेंगे। तो अब ये देखिए ये तैयार है, इससे ज़्यादा मत बेलिएगा। अगर आप इसे ज़्यादा बेलना अगर इस पर चलाएंगे ना, तो जो कीमा है ना वो बाहर आ जाएगा। तो बस इतनी ही मोटी होनी चाहिए ये, बहुत बारीक भी नहीं और खाने में बहुत ही मज़ा आता है इसे। तो इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए, मैंने बेल के रख लिया था। एक और बता देती हूँ आप लोगों को मैं बनाकर। तो देखिए इस कैसे बनाए, ये जैसे हम मोमोज का बनाते हैं ना साइड उसके जिस फोल्ड करते हैं, तो बस इसे भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। और इसे हल्का सा आप इसके ऊपर ना आटा या तेल लगाने के बाद ही आप इसे बेलिएगा, वरना फिर नहीं तो ये चिपक जाएगा। अगर आप आटा नहीं लगा रहे तो इसके ऊपर हल्का सा आप तेल लगा लीजिए बस। और ये इसी तरीके से सारी जो पूड़ियाँ थी वो बेल के पहले मैंने रख लिया था। बेलने के बाद फिर जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है काम, जो है हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। तो फिर तो मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया था, और उसके बाद जब गरम हो गया तेल उसमें मैंने डाल दिया था पूरियों को तलने के लिए। और ये मैंने ना लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में आप कभी भी कबाब है या कीमे की पूरियां हैं या नॉर्मल जो हमारी आटे की पूरियां होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें फ्राई करेंगे ना, तो ये इतनी सॉफ्ट और इतनी क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। क्योंकि जो कढ़ाई है ना, वो जब एक बार बहुत अच्छी तरीके से हीट हो जाती है ना, तो वो बराबर फिर दोबारा ठंडी नहीं होती जल्दी। तो इसलिए आप अगर ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप लोहे की कढ़ाई में ही आप इसे फ्राई करिए, तो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होती है। और इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आ चुका है। ऐसे ही आपको फ्राई कर लेना है सारी पूरियों को। आप देख रहे हैं इसमें कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। और इसे हरी चटनी के साथ आप सर्व करिए अपने घर वालों को, खुद भी खाइए। ग्रीन चटनी में रेसिपी मैंने शेयर किया है आप लोगों से, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से कीमे की स्टफिंग। तो वाह, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ज़रूर से बनाइएगा और खिलाइएगा। तो एक एक करके मैंने सारी पूरियों को तल लिया था, और तलने के बाद हम जो है इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि जो इसका कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन चटनी के साथ ही आप खाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। वैसे बच्चों को आप ये सॉस के साथ भी दे सकते हैं। और ये आप ना इस कीमे की पूरी को ना आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है, बट आपको मटन के कीमे की जगह चिकन का लेना है। तो ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनके तैयार हैं, और इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी डिलीशियस की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी।
तो इसे ज़रूर से बनाइए और लोगों को खिलाइएगा, और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। और मैं आप लोगों को ये अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, और ये इतनी सॉफ्ट है, और इसके अंदर का कीमा देखिए, और इतनी ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बस एक छोटा सा ब्लॉग भी शेयर करूंगी, क्योंकि वहां से आने के बाद जरा उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो थोड़ा मैं बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला। बट रेसिपी मैंने कंटिन्यू किया था, रेसिपी मैंने शेयर किया था आप लोगों से। तो अभी जस्ट मैं उसे, जरान का नाश्ता हो गया है, उसे मैंने रेडी कर दिया है, और अब जस्ट हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं जरान का, क्योंकि जरान का जो है वो स्कूल आफ्टरनून का होता है, तो आफ्टरनून से 1 to 6 होता है जरान का। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। जरान ने नाश्ता हो गया, जरान रेडी हो गए हैं, और जरान की टिफिन भी मैंने बना लिया है। तो अभी बस चलिए अभी निकलते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा पहले निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आप चलिए फिर चलते हैं जरान को लेके जरान के स्कूल। तो जरान की टिफिन मैंने आज रेडी कर दिया था, और टिफिन में मैंने दिया था सब्जी और पूरी। जरान को बॉयल्ड पोटैटोज की जो सब्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं भी इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो और फिर मैंने पैक कर दिया इसकी टिफिन। पैक करने के बाद, क्योंकि मुझे इसे जल्दी से नाश्ता भी कराना था और फिर स्कूल भी लेके जाना था, छोड़ने के लिए टाइम हो चुका था, और जल्दी जल्दी से जरान की टिफिन मैंने यहाँ पैक कर दिया था। और जरान नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे और बैठे थे नाश्ता करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मैं ही खिला देती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसको जल्दी से मैंने नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद फिर हम निकल गए, और यहाँ पर फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा थोड़ा सा रिक्शा आगे बढ़ रहा। यहाँ पे पहुँच चुके थे हम स्कूल, और गेट बंद था, और जान यहाँ पे वेट कर रहे थे बैठ के। तो और गेट अभी खुला ही नहीं था, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं वही जा रहे थे, आफ्टरनून के बच्चे सब बाहर ही खड़े थे, गेट अभी ओपन नहीं हुआ था। और जरान भी यहाँ बेचारा बैठ गया था, थक गया था खड़े होकर। तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो है खड़े थे, सब अपने अपने बच्चों को लेकर, और वेट कर रहे थे कि गेट खुले और अंदर जाए। तो वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा, एंड फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।